स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को दो तरीके से प्रॉफिट होते हैं। पहला प्रॉफिट जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को कम दाम पे खरीदते हैं और जब उस कंपनी के शेयर्स का दाम बढ़ जाता है आप उन कंपनीज के शेयर्स को बेच के प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। वही दूसरा इनकम है डिविडेंड इनकम। जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसे ही हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके सबसे सेफ रिटर्न बनाने का सही तरीका है। अगर आप कई सालों तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आप डिविडेंड इनकम से ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिविडेंड इनकम क्या होता है, कैसे हमें भी किसी कंपनी का डिविडेंड मिल सकता है। इसी के साथ साथ हम डिविडेंड से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर डिविडेंड यील्ड के बारे में जानेंगे। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कितने का होता है, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देख के किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। आई होप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेने के बाद आपके मन में डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। इनफैक्ट इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भी डिविडेंड इनकम से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिविडेंड इनकम के बारे में। जब भी किसी कंपनी को बिजनेस करके प्रॉफिट होता है तो उस कंपनी के पास उस प्रॉफिट को यूज करने के दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकती है जिससे कि कंपनी को एक्सपांशन करने में आसानी हो। सेकंड ऑप्शन, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट दे। जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है तो शेयर होल्डर्स के लिए वही इनकम डिविडेंड इनकम कहलाता है। मैक्सिमम केसेस में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, यानी कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होती हैं, जिनका ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू होता है, जिनकी मार्केट में अच्छी प्रेजेंस होती है, वो कंपनी ही आपको डिविडेंड देती है। और जो कंपनी अभी छोटी होती है, जिनको मार्केट में अपना कैप्चर बनाना होता है, अभी ग्रोथ के कई सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं उनके पास, तो वैसी कंपनियां अपने प्रॉफिट को बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर लेती है। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है या जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आपको हर साल डिविडेंड दे। डिविडेंड देना या ना देना ये पूरी तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर इस साल उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है तो अगले साल आपको वो कंपनी वापस से डिविडेंड देगी। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम सिर्फ डिविडेंड को ध्यान में रख के उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। तो ये तो थी डिविडेंड से रिलेटेड बात। अब हम जरा जान लेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी अपने शेयर प्राइस के ऊपर कितने परसेंटेज का डिविडेंड दे रही है। चलिए इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर दो कंपनीज को लेंगे। पहली कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, जबकि दूसरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। दोनों ही कंपनी का करंट शेयर प्राइस 500 रुपीज है। करंट ईयर में दोनों ही कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है। ABC कंपनी ने Q1, Q2, Q3 और Q4 चारों ही क्वार्टर में 1-1 रुपए का डिविडेंड दिया है, जबकि XYZ कंपनी ने Q1 में 1 रुपए, Q2 में 2 रुपए, Q3 में 3 रुपए और Q4 में 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो अब अगर हम दोनों ही कंपनी के करंट ईयर के टोटल डिविडेंड को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ABC कंपनी ने टोटल 4 रुपए का डिविडेंड दिया है, जबकि XYZ कंपनी ने टोटल 10 रुपए का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस इनटू 100। तो यहाँ ABC के केस में एनुअल डिविडेंड पर शेयर 4 रुपए का है, जबकि कंपनी का करंट शेयर प्राइस 500 रुपीज का है। तो इस केस में कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.80 निकल के आता है। वहीं XYZ कंपनी का करंट ईयर का टोटल डिविडेंड 10 रुपए का है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर XYZ कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2% का आता है।
किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। सो इस केस में हमने देखा एबीसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.80 है, जबकि एक्सवाईजेड कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2% है। सो यहां एक्सवाईजेड कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर नजर आती है, पर क्या सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देख के ही हम किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ एग्जांपल के लिए दो कंपनीज को सिलेक्ट किया है। पहली कंपनी का नाम है TCS, वहीं दूसरी कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमने यहाँ दोनों ही कंपनी के लास्ट वन ईयर का चार्ट पैटर्न और डिविडेंड यील्ड को लिया है। TCS के लास्ट वन ईयर के चार्ट पैटर्न को देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे TCS ने लास्ट वन ईयर में अप्रोक्सीमेटली 11% का रिटर्न जनरेट कर दिया है, जबकि TCS का डिविडेंड यील्ड 0.98% है। वहीं IOCL कंपनी के लास्ट वन ईयर के चार्ट पैटर्न को देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे कंपनी ने लास्ट वन ईयर में 33% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर दिया है। वहीं कंपनी का डिविडेंड यील्ड 8.49% का है। तो अभी तक के सिनारियों के हिसाब से हमें IOCL कंपनी TCS के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है और इसी में इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। अब हम जरा दोनों ही कंपनी के लास्ट 5 ईयर का चार्ट पैटर्न लेते हैं। अगर आप TCS कंपनी के लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो यहाँ पर कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 216% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं IOCL के लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो यहाँ कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में आपको -41% का रिटर्न दिया है। अब आप बताइए आपके लिए कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? 5 ईयर का रिटर्न देख लेने के बाद अब कौन सी बात है आप भी TCS कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम आपको किसी एक पैरामीटर को बेस मान के ही कंपनी का एनालिसिस नहीं करना है। बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो किसी भी कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कंपेयर करते वक्त आप उन कंपनीज के लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को देखें, जिससे कि आपको उस कंपनी के क्लियर पिक्चर समझ में आए कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न देगी या नेगेटिव रिटर्न। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रही है लेकिन उसका डिविडेंड यील्ड कम है, और एक दूसरी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी कम या फिर नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दे रही है जबकि उसका डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। डिविडेंड यील्ड और कंपनी के शेयर प्राइस का एक इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसका डिविडेंड यील्ड घटेगा, और जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस घटेगा तो ऑटोमेटिकली उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। अब हम जान लेते हैं एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कितने का होता है। सो अप्रोक्सीमेटली जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं और जो डिविडेंड देने के साथ साथ ग्रोथ पे भी फोकस करती हैं, वो कंपनी जनरली 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड देती है। सो इट मींस अगर आपको किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास मिलता है और उस कंपनी का शेयर प्राइस अच्छे तरीके से बढ़ रहा है तो आपको उस कंपनी को पिक करना चाहिए। सो अब हम जरा जान लेते हैं कैसे हम भी डिविडेंड इनकम से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं आज आपकी उम्र 25 साल है और आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप आज से लेकर आने वाले 35 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि रिटायरमेंट के टाइम में आपको अच्छी खासी डिविडेंड इनकम हो। आपने आज एक कंपनी में 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% का है। सो इट मींस आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे इस साल 1,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। मान लेते हैं ये कंपनी अगले 35 सालों तक 15% के CAGR से बढ़ी। 35 साल बाद जब आपकी उम्र 60 साल की हो गई तो आपका 1,00,000 का किया हुआ इन्वेस्टमेंट 15% के CAGR से बढ़ के 1,28,00,000 रुपए हो गए। अब अगर ये कंपनी 1% का भी डिविडेंड देती है तो आपको 1,28,000 रुपए डिविडेंड के मिलेंगे, जो कि आपके किए गए इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा है। आपने
35 साल पहले मात्र 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आज आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के रूप में 1,28,000 रुपए हर साल मिल रहा है। इट मीन्स आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट पे आपको हर साल 128% का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप इसी तरह कुछ और साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपको इतने ज्यादा मात्रा में डिविडेंड मिलेंगे कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसी तरह से ही बड़े बड़े लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। अगर आज आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ आपको अपने किए गए इन्वेस्टमेंट पे इतना अच्छा डिविडेंड मिलेगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के दो वैल्यू होते हैं, पहला है फेस वैल्यू, दूसरा है मार्केट वैल्यू। डिविडेंड का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर किया जाता है। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो अपने फेस वैल्यू के ऊपर अनाउंस करती है, वही डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है। अगर कोई कंपनी है जिस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 100 रुपए का है जबकि कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए 100% का डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है तो इट मीन्स कंपनी अपने फेस वैल्यू पे 100% का डिविडेंड अनाउंस कर रही है, ना कि अपने मार्केट वैल्यू पे। यहाँ कंपनी के शेयर होल्डर्स को 10 रुपए के ऊपर 100%, इट मीन्स हर एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। सो आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके दिमाग से डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड जितने भी सारे कन्फ्यूजन थे उन सारे कन्फ्यूजन को मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।